व्हेनेवर आई फील माय हेयर आर गोइंग जस्ट क्रेजी, सो मैं इसको यूज करती हूँ. बालों को मैनेज रखने के लिए और फ्रिज फ्री रखने के लिए एक अच्छे सीरम की जरूरत पड़ती है हमको, और वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो हाय गाइस, वेलकम टू कैची फ्यूजन, आई एम चालू. सो आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ लिवॉन हेयर सीरम का. सो दिस सीरम इज फॉर ड्राई एंड अनरूली हेयर एंड दिस इज 24 आवर्स इंटेंस स्मूथनेस फॉर रफ हेयर, कट्स अवे फ्रिज, अल्ट्रा ग्लॉसी, अल्ट्रा स्मूथ. ऐसे इसके क्लेम्स हैं कि 24 आवर्स आपको फ्रिज फ्री रखता है. और मैं दिखाती हूँ आपको, मैं ऑलमोस्ट मोर देन हाफ प्रोडक्ट मैं इसका यूज कर चुकी हूँ. आज ही मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं और बहुत फ्रिजी हो गए हैं बाल, और इनको सेटल करने के लिए आई एम यूजिंग दिस. सो थोड़ा सा बस आपको इसको लेना है और ऐसे हल्का सा पाम पे इतना सा, और अच्छे से इस तरीके से दोनों हाथ में रब करके हल्का सा इसको हीट करके अपने बालों को के एंड्स पे आपको इसको लगाना है. बहुत ही हल्के हाथों से बालों में फिंगर्स को ऐसा कॉम मूव करते हुए और नीचे लाएंगे, और बहुत ही अच्छे से जेंटली आप अपने बालों में इसको अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटली ये फ्रिज को रिमूव कर देता है और सेटल कर देता है. बाल एकदम मैनेज हो जाते हैं और बहुत ही सटल लगने लगते हैं. जो पफी बाल आपके हो जाते हैं उनको ये सेटल कर देते हैं. 3-4 ड्रॉप्स आप ले लीजिए, एक बार में ज्यादा नहीं लीजिए, फिर एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है इसका. जैसे हेयर वॉश के बाद आपको 5-7 ड्रॉप्स चाहिए तो एकदम से बहुत सा प्रोडक्ट हाथ में नहीं लीजिएगा, नहीं तो बाल बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएंगे और वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बालों में. जब बिल्कुल जीरो प्रोडक्ट आपके हाथ में रह जाए सिर्फ इतना, तब आप अपने फ्लाईओवेज को सेटल कर सकते हैं इससे. उससे पहले नहीं करिएगा, नहीं तो बाल आपके बिल्कुल चिपचिपे और बहुत ही स्टिकी हो जाएंगे. तो बस लास्ट में हल्का सा अपने बालों के टॉप पे इसको आप अप्लाई कर लीजिए. जितना भी प्रोडक्ट आपके हाथ में है उसको आराम से बालों में फिंगर्स को हैंड्स को मूव करते हुए एब्जॉर्ब होने दीजिए बालों में, और तभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लीजिए जब आपको उसकी ज़रूरत लगे, नहीं तो पहले इसको ही अच्छे से एब्जॉर्ब होने दीजिए बालों में. बालों को आप बड़े ही अच्छे से सेटल कर सकते हैं एंड और ये अच्छे से सारे बालों में सीरम लग गया है. फिर अपने बालों को कर लीजिए कॉम. गुड टू गो. सो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ. जैसे आज मैंने हेयर वॉश किया है तो मेरे को 5-7 ड्रॉप्स में ही मेरे बालों को ये मैनेज कर देता है. मेरे बाल हैं बहुत ज्यादा फ्रिजी, व्हेनेवर आई फील माय हेयर आर गोइंग जस्ट क्रेजी, सो मैं इसको यूज करती हूँ समटाइम्स ऑन द डेली बेसिस और समटाइम्स ऑल्टरनेट डे. जैसे मेरे बालों को रिक्वायरमेंट होती है तो आप भी अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं. तो आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी, और अगर आपके बाल ज्यादा फ्रिजी नहीं है और बहुत ज्यादा अनमैनेज नहीं है तो आप सिर्फ आफ्टर हेयर वॉश इसको यूज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आपके बालों की क्या रिक्वायरमेंट है. इट्स योर प्रेफरेंस कि आप इसको डेली यूज करना चाहते हैं या फिर हेयर वॉश के बाद. दोनों तरीके से ही इसको यूज किया जा सकता है. जब भी आप इसको हेयर वॉश के बाद यूज करेंगे आपको 5-7 ड्रॉप्स लेने हैं और उसको बालों की लेंथ में और एंड पे लगाना है. अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे लगाना है. और अगर आपके बहुत ज्यादा फ्रिजी नहीं है बाल या 1-2 दिन के बाद जब भी आपको लगे कि बाल अनमैनेज्ड है, 1-2 ड्रॉप्स काफी हैं आपके क्रेजी बालों को सेटल करने के लिए, फ्लाई ओवर इसको मैनेज करने के लिए और बालों के फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए, टेम करने के लिए, तो एक अच्छा हेयर सीरम है. लाइट टेक्सचर का हेयर सीरम है, मुझे काफ़ी पसंद आया. पूरे दिन में आपको इसको वापस से रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं लगती है सच. एक बार आपने अच्छे से सुबह अपनी ब्रशिंग के टाइम पे इसको यूज़ किया, 24 आवर्स के लिए ये आपके बालों के फ्रिज को मैनेज करता है. डेली रूटीन में आप इसको डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं. डेफिनेटली अच्छा सीरम है. मैं इसको लंबे समय से यूज कर रही हूँ और इसको लिया था मैंने नायका से. सो ये मुझे शायद 50% पे मिला था जब मैंने इसको नायका से लिया था. सो नायका से मैंने फर्स्ट टाइम 2-3 चीजें ली थी और उसी में मैंने इसको लिया था. और अगर आपने मेरा वो नायका का हॉल नहीं देखा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो ये एक अच्छा सीरम है. इसका प्राइस है 250 रुपीज और इसकी क्वांटिटी है 100 ml और कन्वीनियंट पैकेजिंग है, फ्लिप पैकेजिंग है और एसिड स्पिल भी नहीं होता. और काफी अच्छा लाइट सा इसका टेक्सचर है, बहुत ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी का सीरम नहीं है ये. और बहुत अच्छे से जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है और स्टिकी नहीं बनाता आपके बालों को. टेक्सचर काफी लाइट है इसका. एक बार आप इसको अप्लाई करते हैं तो 24 आवर्स तक ये आपके बालों को फ्रिज फ्री रखता है, मैनेज रखता है. सो आपके बाल बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं होते. नेक्स्ट डे ही आपको रीएप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है.
ऐसा पूरा दिन ये आपके बालों को बड़े अच्छे से मैनेज करता है। इट इज एनरिच्ड विद मोरक्कन अर्गन ऑयल एक्सट्रैक्ट्स। काफी अच्छी लाइट सी फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत ज्यादा ओवर पावर फ्रेग्रेंस नहीं है, सो फ्रेग्रेंस काफी माइल्ड है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा क्रेजी और फ्रिजी है मेरे बालों की तरह, तो आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप आफ्टर एवरी हेयर वॉश इसको यूज कर सकते हैं, या फिर वेन एवर यू फील योर हेयर आर गोइंग क्रेजी तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इंस्टेंटली एलिमिनेट करता है ये फ्रिज को, ड्राइनेस को, और टेम करता है आपके क्रेजी बालों को, एंड इट मेक्स हेयर इंटेंसली स्मूथ। सो अच्छा सीरम है ये। वैसे इसको अप्लाई करने का करेक्ट तरीका तो यही है कि आप हेयर वॉश के बाद टॉवल ड्राई हेयर पे आप 5 से 7 ड्रॉप्स इसके यूज कर सकते हैं, अपने बालों की लेंथ में और एंड में इसको अप्लाई कर लीजिए, एंड यू विल जस्ट लेट योर हेयर ड्राई प्रॉपरली। तो ये स्मूथनेस आपके बालों में आती है इसको लगाने के बाद। अगर आपके बाल ज्यादा अनमैनेज्ड है और क्रेजी है, तो 1 to 2 ड्रॉप्स आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं और अपने बालों के फ्रिज को मैनेज कर सकते हैं। इट इज रियली लाइट वेट एंड गुड कंसिस्टेंसी सीरम, सो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। और बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, एंड वर्थ द मनी है। एक्सपेंसिव नहीं है एज सच, 250 रुपीज में आपको 100 ml क्वांटिटी मिल रही है, और आपको कोई ना कोई ऑफर भी इस पे मिल ही जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा क्रेजी है, ड्राई है, अनरूली है, तो ये मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है मैं बोलूंगी। काफी अच्छा हेयर सीरम है और स्मूथ रखता है आपके बालों को। अगर आप कोई अच्छा पॉकेट फ्रेंडली सीरम ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट भी एक्सपेंसिव नहीं है, 250 रुपीज में आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल रही है, तो ठीक ठाक प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। फ्रेग्रेंस बहुत लाइट है, टेक्सचर भी काफी लाइट है, और लिवोन में ही बहुत से वेरिएंट्स आते हैं, पर मेरा फेवरेट ये है, क्योंकि ये मेरे बालों के प्रॉब्लम को प्रॉपरली मैनेज करने में काफी अच्छा मुझे लगा, तो इसी वजह से मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसमें कलर प्रोटेक्शन का भी आता है, तो हो सकता है इसके बाद मैं उसको ट्राई करूँ, तो वो भी मैं जरूर शेयर करूंगी। मैं 2 सीरम्स यूज करती हूँ एक्चुअली, और डेली बेसिस के लिए मैं इसको यूज करती हूँ, और जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो फिर मैं यूज करती हूँ लॉरियल का सीरम, उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, जब भी आप ब्रशिंग करें सुबह के टाइम तब आप इसको लगा सकते हैं, एंड यू आर गुड टू गो। और पूरा दिन ये आपके बालों को फ्रिज फ्री रखता है। मुझे काफी पसंद आए, इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, और मैं काफी कन्विंस हूँ इसके रिजल्ट से, और जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये मिलता है उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, वर्थ ट्राइंग है, मैं बोलूंगी कि बजट में काफी अच्छा हेयर सीरम है ये। सो अगर आप भी परेशान हैं बालों के फ्रिज से, और बालों को मैनेज करने के लिए आप कोई अच्छा और बजट फ्रेंडली हेयर सीरम ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एक अच्छा हेयर सीरम है इन द बजट, सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। This is a value for money hair serum. You can definitely give it a try. So from me, thumbs up to this Livon hair serum. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक थम्स अप दीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल बटन को हिट करना नहीं भूलिएगा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। सो इसी के साथ ही आज का वीडियो यही कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।